ब्रिटेन में ऋषि सुनक भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री बने तो भारत में इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और शशि थरूर ने सुनक के बहाने भारत में भी अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री बनाने की बहस छेड़ दी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी तो इसमें एक कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो देश में कोई हिजाब पहने महिला प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। इन बयानों पर जम्मू कश्मीर के सीनियर IAS अधिकारी शाह फैसल भी कूद पड़े। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को जो आज़ादी भारत में है वो किसी मुस्लिम देश में भी नहीं है, वो यहाँ के टॉप पोस्ट पर पहुँच सकता है, मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। शाह फैसल के इस बयान को लेकर हम आपको उनके कुछ पुराने बयानों की याद दिलाते हैं कि सियासत से फिर सिविल सर्विस में लौट आए IAS शाह फैसल का स्टैंड बीते कुछ सालों में कितना बदला है। शाह फैसल सबसे पहले तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने अगस्त 2019 में भारत में बढ़ती रेप की वारदातों पर नाराजगी जताते हुए हिंदुस्तान को रेपिस्तान कह दिया था। देश में बढ़ती असहिष्णुता का हवाला देकर ही 2019 में उन्होंने सरकारी सेवा छोड़ दी थी और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध कर दिया था। अपने इस्तीफे के समय उन्होंने ट्वीट किया था कि कश्मीर में बेरोकटोक हत्याओं और केंद्र सरकार की ओर से किसी भी विश्वसनीय राजनीतिक पहल की अनुपस्थिति का विरोध करने के लिए मैंने IAS से इस्तीफा देने का फैसला किया है। तब उन्होंने मुसलमानों को हाशिए पर रखने की बात कही थी। एक समय तो वो पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान के बड़े मुरीद बन गए थे, यहाँ तक कि इमरान खान को शांति का नोबेल पुरस्कार देने तक की पैरवी कर डाली थी। उन्होंने कहा था कि ये पुरस्कार इमरान को भारत पाक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने पर इस कानून को चुनौती देने वाली याचिका भी दायर की थी, हालांकि बाद में उन्होंने इसे वापस ले लिया। फैसल उन 23 याचिकाकर्ताओं में शामिल थे जिन्होंने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी थी। लेकिन नौकरी में लौटने के बाद अब शाह फैसल का स्टैंड पूरी तरह बदल चुका है। कोरोना टीकाकरण को लेकर PM मोदी की तारीफ के साथ भारत को जगत गुरु तक कह चुके हैं। अब फैसल ये बताते हैं कि देश में शीर्ष पदों तक पहुंचने के रास्ते अब भी सबके लिए खुले हुए हैं, मैं खुद इसका उदाहरण। फैसल ने इसी साल अप्रैल में सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट करके अपने किए पर पछतावा जाहिर किया था। 2009 में फैसल ने पहली बार तब सुर्खियां बटोरी थीं जब पहली बार किसी कश्मीरी ने UPSC की परीक्षा में टॉप किया था। इसके बाद शाह फैसल कश्मीर में ही ब्यूरोक्रेट के तौर पर सक्रिय रहे और 2019 में तब सनसनीत बनकर सामने आए जब IAS से इस्तीफा देकर उन्होंने राजनीति में उतरने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी बनाई, लेकिन राजनीति में असफलता का स्वाद चखने के बाद सियासत छोड़कर वापस सर्विस में लौट आए और उनके सुर बदल गए हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।